हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक और नए माय सर्वाइवल एपिसोड। जो कि अभी इनकम्प्लीट है, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसी के साथ हमने एक्सटेंड किया था अपनी क्रॉप का एरिया, तो आप देख पा रहे हैं पीछे। एंड उसी के साथ हमको अपने हाउस को भी कंप्लीट करना होगा, बट वो धीरे धीरे करते रहेंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं है, बट एक काम करने वाले हम आज अपने स्टोरेज को मूव करने वाले हम उस घर में, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत उसको रिपेयर करते रहेंगे, तो ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं है। बट आज के एपिसोड का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, वो है बिल्कुल साइड ऑब्जेक्टिव है, वो करेंगे। बट आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमको फाइंड आउट करने कुछ डायमंड, तो उसके लिए हम करने जा रहे हैं स्ट्रिप माइनिंग। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे सेफली एंड एफिशिएंटली हम माइन कर सकते हैं डायमंड, क्योंकि 1.18 अपडेट के बाद डायमंड फाउंड आउट करना बहुत ही ईजी है अगर आप अच्छे खासे मॉब से लड़ सकते हो। अगर आप मेरे तरह नूब है जो मॉब से काफ़ी डरता है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा कि स्ट्रिप माइनिंग करें और डायमंड फाइंड आउट करके फिर उसके बाद आप केव में जा सकते हो। तो मैं तो स्ट्रिप माइनिंग यूज़ करूँगा जबकि बिल्कुल लास्ट एंड तक पहुंच जाओ -59 पे। तो वहाँ पे अगर कोई ओपन केव हो गया तो फिर उसमें एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे केव से नहीं जाने वाले, जीरो लेवल केव से हम बिल्कुल माइनस में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपना ये क्या कहते हैं शुगर काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा है, तो उससे पहले अपनी फील्ड को, ये जो क्रॉप है इसको रहने देते हैं, अभी नहीं करते। बट ये जो है अपने पास, हाँ क्या कहते हैं पोटैटो और कैरेट, इनको कर लेते हैं अपने हार्वेस्ट। तो चलिए पहले ना अपना ये काफ़ी सारे चेस्ट बना के और अपना सामान मूव कर लेंगे उस घर में। उसके लिए एक चेस्ट, ये दूसरी और ये तीसरी और ये थोड़ा और लगेगा, चौथी, चार चेस्ट और दो ये हो जाएंगी, ये जो अभी खाली होंगी। तो इनको कर लेते हैं मूव यहाँ पर। अपना घर देख सकते हो गाइस, काफी अच्छा लग रहा है यार, ये टेक्सचर काफी अच्छा। बीच में हमने कुछ वो भी लगाए हैं, पैट मग और ये मेड ब्रिक्स। तो इनको भी कर लेंगे ब्रेक, पर सबसे पहले ना एक चेस्ट रख देता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे, यस। एंड उसी के साथ दूसरी वाली भी यहीं पे रख देते हैं, और इसको भी अभी ब्रोक तोड़ के खाली कर देते हैं, ठीक है। वंडरिंग थ्रेड, सही है सही है। बोट तो इससे याद आया था, एक बोट बोट है ना अपने पास, एक बोट बना के ना लीड्स हैं इसके पास काफी काम की थी, जो खरीदने तो नहीं वाले बट इससे ट्रिक करके हम छीन लेंगे। और वो कैसे देखो अभी देखते हैं ये। अरे भाई, अरे अरे यार ये तो अंदर ही आ गया। चल चल यार, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता। ये 4 एमलेट के बल स्लाइम दे रहा है, इतना भी अच्छा नहीं है यार, ठीक है। तो एक लामा, एक लीड मिल गई। अरे ये दूसरी तरफ भाग गया भाई, वो भी गए दीवार के आर पार ही हो गया यार, इतना कमजोर घर है क्या मेरा। ये दूसरी लीड भी ले लेते हैं, इसको बिठाते हैं। ये मिल गया अपने को दूसरी लीड। अच्छा वंडरिंग ट्रेडर बैठ गया इधर, चलो इनको कर देते हैं आजाद। ये लामास को रखें क्या, चलो रहने तो आते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो क्या कर रहे थे अपन, इधर लगाने हैं ग्लास ब्लॉक्स। तो ग्लास ब्लॉक्स अपने पास काफी पड़े हैं, एक दो तीन चार, और सेम वे में एक दो तीन चार। और उसी के साथ ही चेस्ट भी खाली करना शुरू कर देते हैं, सैंड रख देते हैं, स्लैब भी रख देते हैं, वुड काम की चीज़ें, फूड भी चाहिए, स्टेयर्स रख देते हैं, एप्पल्स भी नहीं चाहिए, ये मड ब्लॉक स्टेयर्स भी नहीं चाहिए, स्पाइडर आई नहीं चाहिए, और सैपलिंग भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए,
तो बाकी आइटम तो हम ऐसे रखने वाले हैं, दूसरी वाली आइटम्स को भी ले आते हैं, पर उससे पहले घर में ना काफी अंधेरा सा है तो अपन टॉर्चेस भी लगा देते हैं। टॉर्चेस लगाएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर, तो काफी रोशनी हो गई है। और उसी के साथ अपना बेड भी उठा के यहीं पर लगा देते हैं और सेट कर लेते हैं स्पॉन पॉइंट। तो ये विंडो व्यू अच्छा है यार, इधर से तो पहाड़ है अच्छा, ये भी है, बट सबसे अच्छा तो यही है। तो इधर लगा लेते हैं अपना बेड, इस पे कर देते हैं स्पॉन पॉइंट रीसेट, दरवाजा भी क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए। तो इनको धीरे धीरे मूव करते रहेंगे। तो अपने एक काम वो कर लेते हैं, अपने पास फूड अभी कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, देखने पे कुछ फूड है क्या, नहीं इसमें भी नहीं है। तो अभी अपने पास पहले तो ब्रीड कर लेते हैं अपने काउस को और फिर उनको मार के लेंगे रो मीट जो मिलेगा उसको कर लेंगे, और फिर चलते हैं अपन डायमंड फाइंड आउट करने के लिए। अच्छी थी, मैं तो अभी इसको पहनने वाला था, बट कोई नहीं, अभी अपने पास क्या कहते हैं इधर ज़्यादा नहीं है तो। और इधर भी अपने आयरन उठा लेते हैं, इसकी काफ़ी जरूरत पड़ेगी। और फूड के लिए ऐसा इस आयरन को भी उठा लेते हैं, इनसे बना लेते हैं अपन ये तक नगर तीन बन जाएंगे आई गेस इंगट सॉरी। और बाकी नगेट्स को रखते थे वापस, वुड है अपने पास ठीक ठाक, थोड़ी और काट लेंगे। तो चलिए चलते हैं माइनिंग करने, पर पहले थोड़ा वुड और इकट्ठा कर लेते हैं, अब तक काफ़ी कितना काम है। तो लाइक दैट हमने अपने फील्ड्स भी मतलब वीट को भी कर लिया है हार्वेस्ट, तो अपने को काफ़ी सारा वीट मिल गया है। और इस वीट से अब हम बना लेते हैं ब्रेड, ठीक है, काफ़ी सारा ब्रेड। ठीक है इतना ही आएगा मैक्सिमम। तो अभी आपके पास काफ़ी ब्रेड हो ही गया है, बाकी वाला रखते हैं इधर। और कुछ सीड भी पड़ा है, इसको भी कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा सीड पड़ा है, एक्स्ट्रा ही हो गया, इसको अभी कंपोस्टर में डाल देंगे। एक बार हमारे पास ऊपर आ जाए, ऊपर बना ले, तो उसको भी कंपोस्टर में डाल देंगे। और ये स्टिक भी अपने पास, एंड उसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अपने पास लेदर भी है, इसको भी रख देते हैं, स्टोन को भी रखते हैं, बोट एक बार लेके चलते हैं, कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं माइनिंग के लिए, और अपने पास टॉर्चेस है ना काफ़ी, नहीं टॉर्चेस की कमी है काफ़ी, उसके लिए एक कोल यहाँ से उठा लेते हैं। और स्टिक्स तो अपने पास नहीं है एक बार के लिए, काफ़ी सारी स्टिक्स बना लेते हैं। तीन स्टिक से बना लेते हैं अपन, अरे तो चलिए चलिए क्या अभी एक और बनाना ना, क्राफ्टिंग टेबल है अपने पास इधर नहीं है, ठीक है वुड ले लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल तो नीचे से ले लेते हैं। अब चलते हैं नीचे, तो एक और क्राफ्टिंग टेबल बना ही लेते हैं, ये बन गया अपनी क्राफ्टिंग टेबल। और इस क्राफ्टिंग टेबल से भी बना लेते हैं अपन दो और पिकैक्स, ठीक है।
तो गाइस हमको मिला काफी ही ज्यादा एक, मतलब आई डोंट नो कितना रेयर है बट काफी ही ज्यादा मस्त आइटम। ये सामने देख रहे हो ना आयरन टाइप, ये है रो आयरन का एक ब्लॉक। तो अगर हम इसको माइन करेंगे तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक को रो आयरन, और अगर इसको तोड़ेंगे ना तो 9 रो आयरन मिलेंगे। तो भाई साहब काफी मस्त आइटम मिल गया यार, और उसी के साथ इधर थोड़ा और आयरन भी है, उसको भी स्मेल क्या कहते हैं कलेक्ट कर लेते हैं। तो बल्ले बल्ले ही होगी भाई, ये तो मस्त चीज मिल गया। ये क्या है? अच्छा केव, केव केव केव, ठीक है। ये केव मिल गई है उत्तरी, जहां से ऊपर की तरफ लावा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ काफी अंधेरा है। नहीं, इससे तो अभी कुछ पंगा नहीं लेना। अरे अंदर चल भाई, ठीक है इस रास्ते को करते हैं अपन ब्लॉक एक बार के लिए, इतना काफी है। बट सही है यार, ब्लॉक ऑफ रॉ आयरन मिल गया। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं ना तो चलो इसको रखते ऊपर, अगर इस क्राफ्टिंग टेबल के नीचे और अपने पास ये रो आयरन है, इसको एक एक करके ऐसे एरिया में डालते तो फिर मिलेगा हमको ब्लॉक ऑफ रो आयरन। तो सही है, पहले ही मिल गया, ये अच्छा था। चलो अभी देखते किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। अभी तो हम पहुंचे -20 पे, जाना है हमको -59 पे, अभी काफी दूर है मंजे। तो चलिए और माइनिंग करते हैं और मिलते हैं आपको -50 पे। एंड अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो देखते हैं, नहीं तो माइनिंग करते हैं स्ट्रेट टू -59। ऐसा लग रहा है कि हमको मिल चुकी है एक वेन ऑफ आयरन, क्योंकि यहाँ पे हमको ना काफी ज्यादा आयरन मिल चुका है और अभी और भी मिल रहा है। तो ऐसा ही लग रहा है, अगर आपको मैं शो करूं तो 18 आयरन रो आयरन मिल चुका है, और उसके साथ अपन पास 2 ब्लॉक हैं रो आयरन की, जिसमें से एक हमको नेचुरली मिल गया था। तो काफी आयरन मिल गया यार, इतना तो ऊपर में जब आयरन ढूंढने गया तभी नहीं मिला था। सही है, चलो नीचे की तरफ चलते हैं, अभी तो वाई -20 पर ही है। तो गाइस हमको एक और ब्लॉक मिला है रो आयरन का, तो आई गेस इतना भी रेयर नहीं है, बट यार यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आयरन मिला मेरे को। यहाँ पे मैं डायमंड ढूंढने आया था, वहां पे मेरे को आयरन ही आयरन मिले जा रहा है। अभी तो इतना इन्वेंटरी फुल हो चुका है ना, ये एक और ब्लॉक ये मैं आपको अभी शो करता हूँ कितने आयरन है। बट इस लेवल पर तो बहुत ही ज्यादा आयरन मिलता है पैचेस में, ये देखो कितना ज्यादा आयरन। ओ भाई साहब क्या खतरनाक, अभी तो इन्वेंटरी में जगह ही नहीं बची। 10 ब्लॉक ऑफ रो आयरन हो चुके हैं, 17 रो आयरन ऐसे हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा आयरन, हद से ज्यादा आयरन मिला है यहाँ पे। तो सही है, मेरे को लगता है एक वेन वगैरह कुछ मिल गई मेरे को आयरन की। अभी कौन से वाले लेवल पे हैं अपन? अभी है -57 और बस पहुंच ही गए, एक या दो और पर देख लेते हैं आसपास कुछ और भी है क्या, पता चले डायमंड भी आसपास छिपे हुए हैं। ये और आयरन मिल रहा है भाई सर, ये
बी क्या 58 पे पहुंच चुके हैं, एक क्लॉक नीचे और अपन पहुंच गए -59 पे। तो क्या करेंगे इधर ना, जो आयरन है उसको भी पका लेते हैं और उसी के साथ एक टेम्परेरी मीन्स एक जगह बना लेते हैं जहाँ पे अपना स्टोर करेंगे अपने आइटम को। इसी क्या गया माइनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, अभी पहले ना एक क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं नीचे और इधर एक ना चेस्ट बना लेंगे। जैसे ये अपने इस यहाँ पे एक -59 एंड है, इसके नीचे एक तो शायद भले ही ऊपर नीचे करके एक ब्लॉक मिल जाए। और माइनक्राफ्ट विकी के अकॉर्डिंग यहीं पे सबसे ज़्यादा आयरन स्पोन होते हैं। आयरन अभी इतना आयरन मिला, आयरन आयरन हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पोन होते हैं डायमंड। तो क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रखते हैं, एक तो बना लेते हैं, एक नहीं दो तीन चेस्ट लगेंगे इस बार, तीन नहीं चार चेस्ट बना लेते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं। ओके पहले तीन ही बना लेते हैं यार, ठीक है। और उसी के साथ एक टॉर्च लगा देते हैं यहीं पे और इतनी चेस्ट तक देते हैं इधर, ठीक है। वाई -59 है, इसी पे आपको डायमंड मिलने की और भी ज़्यादा चांसेस है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी पे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सेफ एंड एफिशिएंट वे ऑफ फाइंडिंग एंड माइनिंग डायमंड वो है कि स्ट्रिप माइन। इस साइड में लगता कोई केव है तो कोई तीन चार चार ब्लॉक छोड़ के वहाँ पे हम माइन करेंगे ताकि कोई भी चांस ना हो, कोई भी डायमंड मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दो ब्लॉक की हाइट पे माइन करना। एंड अभी हमको मिला है रेडस्टोन, ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा है, बट किसी भी लेवल पे कोई भी और मिलता है किसी और आइटम का तो कोशिश करिए कि उसके आसपास के जितना भी एरिया है उसको भी माइन कीजिए। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे उसके आसपास दूसरे और भी होते हैं तो चांसेस है कि आपको कुछ मिल जाए वहाँ पर भी, और अगर कुछ नहीं मिलेगा फिर तो हम माइन कर ही रहे हैं। इधर भी देख लेते हैं, चलो सीधा माइनिंग शुरू कंटिन्यू करते हैं। लावा लावा, अरे यार ठीक है, तो लावा मिल गया अपने को इधर, आगे तो लावा पूल टाइप कुछ होगा, इसीलिए लावा है तो सही है। अपने एक छोटी सी टनल तो बनी गई है, तो अभी क्या करते हैं चार चार ब्लॉक छोड़ के माइनिंग शुरू करते हैं। जैसे कि अभी इसको चार ब्लॉक नहीं सीखो तो दो ब्लॉक छोड़ के करेंगे, एक दो एक ब्लॉक छोड़ के करते हैं क्योंकि इस साइड माइनिंग नहीं की अभी अपन ने। फाइनली इतने सारे वेट के बाद उनको एटलीस्ट एक तो डायमंड ब्लॉक मिल ही चुका है, बस यही दुआ है कि सिर्फ एक ही ना हो। बट मेरे को वही लग रहा जो है कि सिर्फ एक ही है, चलो देखते हैं इसमें से क्या मिलता है, मिलता एक ही डायमंड मिलेगा। चलो इसके नीचे एक और है तो चलो कम से कम दो डायमंड तो मिल ही गए। अभी आसपास देखता हूँ कुछ और तो नहीं है ना कहीं, भाई कहीं मरवाएगा तो नहीं ना ये रास्ता, इधर से बिल्कुल पास से गया मैं। चलो भाई कम से कम फर्स्ट दो डायमंड तो मिल गए, थोड़ा और देखते माइन करके मिलेंगे जरूर, बट काफी पेशेंट रखना पड़ता है इसमें। इसके आसपास देखते हैं कुछ और तो नहीं है, हालांकि केवी में काफी इजीली डायमंड मिल जाते हैं सब प्लेट में, बट उसमें रिस्क भी काफी है स्पेशली मेरे जैसे बंदे के लिए। तो कोई नहीं ऐसे फाइंड आउट करेंगे, मिलेंगे जरूर मिलेंगे डायमंड।
और मिलेंगे। तो जिस तरीके से आपको स्ट्रिप माइनिंग कर रहे हैं, तो उस वे में अगर अपन नहीं करते सीधे एक ही स्ट्रिप में, एक ही लाइन में करते, तो ये डायमंड डेफिनेटली मिस हो जाते, क्योंकि इतने पास से मिस हो गए थे। ये तो क्या ही बड़ी बात है, कोई पता नहीं इस ब्लॉक क्या दूसरी तरफ और डायमंड हो। तो इसीलिए ये चार के गैप में ना स्ट्रिप माइनिंग बहुत अच्छी रहती है। टाइम कंज्यूमिंग है बट काफी इफेक्टिव भी है। और डायमंड्स एक्सीलेंट, सही है। ओहो ओहो ऐसा फिर से उत्तरी कम से कम 8 तो है ही भाई। इतना मैं देख पा रहा हूँ कम से कम 8, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं कम से कम 8 तो है। तो चलिए इनको भी माइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 7 हो 8 और 2 10, 10 डायमंड हो गए भाई बिना कोई रिस्क लिए। कोई और तो नहीं बचा ना। इधर ये बिल्कुल पास से निकल गए थे इधर से, और इधर साथ में ही 8 डायमंड थे। बहुत सही यार, बहुत मस्त चीज मिली भाई। ओहो ओ डायमंड्स बिल्कुल एज पे छोड़ के गया था। चलो भाई बढ़िया, मजा आ गया। इतने अभी ये मजा डबल ट्रिपल हो जाए अगर और भी डायमंड हो, जो कि मेरे को लग रहा है काफी है। इधर आइटम फ्लॉप फ्लॉप की आवाज से आ रही है। अच्छे खासे डायमंड लग रहे हैं भाई। ये भी ठीक ठाक ग्रुप अगर था डायमंड का, नीचे तो नहीं मिले थे। ठीक है ठीक है, था कितना है, 1 2 3 4 5 6 भाई समझ ही आ गया, ऐसे ऐसे मिलने चाहिए ना, और तो मिसिंग नहीं है। ठीक आई गेस नहीं। ओहो मोर डायमंड्स, यस कितने, 1 2 एटलीस्ट 2 तो है, 3 4 सही है सही है सही है। आई गेस 4 ही होगी इसके नीचे तो शायद। ओहो नहीं कितने, 4 और 1 5 है, 1 2 3 4 और 1 5 और 1 6 अरे सा अभी वो वाला कहाँ से लूँ, 8 8 अच्छे इसके नीचे 8 3 भाई बल्ले बल्ले हो गया, 8 डायमंड फिर से 8। इधर देख लेते हैं कहीं कोई बच तो नहीं गया ना। वो देख कितने पास से निकल गया था, इधर तो कोई नहीं है ना। सही है
शुक्र है मिस नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। More diamonds. कम से कम दो तो हैं। नहीं, दो से ज्यादा हैं। ओहो, तो ये हैं भाई टोटल। काफी है यार। अरे भाई कितने पास निकल गया इनके। टैक्स टैक्स प्लस और टैक्स। एक दो तीन चार पाँच छ, हाँ छ हैं। छ तो आई गेस समझदारी तो अभी यही है कि इनको तो ना ही छेड़ा जाए, क्योंकि अभी हमारे पास ना काफी सारे डायमंड है। 8 इधर है, 16 उधर है, तो 22 टोटल। और पूरा चलो तो कोई नहीं है, कर लेते हैं माइंड भाई, इतने हैं उतने ही करना, फॉर्चून फिर कभी करेंगे। चौदह हो गया, 8 और 6, 14, ठीक है। और तो नहीं था ना कोई। और डायमंड्स अभी तो काफी सारे डायमंड मिल गए यार, मतलब सही है मिल गए। तो एक ही है क्या? मेरे को लगा और भी डायमंड। चलो एक भी सही है यार। चलो एक है तो माइंड कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, आई गेस आज का माइनिंग सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। एंड एक बात और, कितना इम्पोर्टेंट है कि ये मतलब तीन का गैप छोड़ के, हम अगर मिनिमम तीन का गैप छोड़ के या फिर मैक्सिमम तीन का गैप छोड़ के अगर माइनिंग करें तो हम कितने डायमंड माइन कर सकते हैं। बिकॉज शायद इस लाइन में मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिला था, बट इसके बिल्कुल पास में जितने भी डायमंड मिले मेरे को उनके एक या दूसरे रो में ही मिले हैं, और वो इस रो से मिले मेरे को 15, टोटल 15 डायमंड। तो देखिए ये तरीका काफ़ी सही है और बहुत कम चांसेस होगी कि आप कोई भी डायमंड मिस कर पाए। तो एट द एंड हमारे पास है 31 डायमंड, तो आई गेस अभी के लिए मोर देन इनफ है। तो उसी के साथ है अपने पास ये थोड़ा थ्रेड स्टोन भी है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका भी बना लेते हैं ब्लॉक्स, इसको रखते हैं यहाँ पर। एक बचा हुआ है, ठीक है। आई गेस अभी भी इसमें से फिर भी बच गए कुछ ना कुछ। तो
और इसको मिला के हमारे पास रेडस्टोन का ब्लॉक है, एक स्टैक और तीन ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन है, और साथ में सिक्स इंडिविजुअल रेडस्टोन डस्ट भी है, 31 डायमंड, चार ब्लॉक ऑफ लैपिस लेजुली और लैपिस लेजुली से अलग से 14 आयरन यहाँ पे हैं, और 10 आयरन के ब्लॉक मिले हैं, दो तो टोटल, दो तो ब्लॉक ऐसे ही मिल गए थे, और 15 अपने को रॉ गोल्ड मिल चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा आइटम मिले थे हमको इस जर्नी में, और इतना सारा मतलब ज़्यादा मैंने ये नहीं किया है, ठीक ठाक ही है, अभी से दो चेस्ट फुल भी नहीं कम्प्लीट हुई, और इसमें गोल है और इसमें अपने पास आयरन हो रहा है, ठीक है, टोटल आयरन हो गए 10 और टोटल 24 और 90, 114, काफ़ी ज़्यादा आयरन भी मिल चुका है, तो इन सब आइटम को भी लेके चलते हैं ऊपर, डायमंड, रेडस्टोन, लैपिस लाजुली, और सब इम्पोर्टेंट आइटम को लेके चलते हैं ऊपर। तो आज के लिए माइनिंग काफ़ी आई गैस, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा दिन था, क्योंकि हमको मिल चुके 31 डायमंड्स और बहुत ही ज़्यादा रेडस्टोन, कुछ लैपिस लाजुली भी, और आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मिला हमको, कुछ गोल्ड, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा दिन है आज का। एंड उसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ डू लाइक इट, एंड उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर एक न्यू वीडियो की। आई होप ये एपिसोड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको डायमंड फाइंड आउट करने में, स्पेशली अगर आप कॉम्बैक में इतने ज़्यादा माहिर नहीं हैं मेरे जैसे, तो आपको ये स्ट्रिप माइनिंग में काफ़ी ईजिली तो नहीं बट काफ़ी सेफली डायमंड्स मिल जाएंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बनाएंगे डायमंड आर्मर, साथ में कंप्लीट करेंगे अपना हाउस, एंड उसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली हम जाएंगे नेदर में, देखते हैं उससे वहाँ से कुछ आइटम मिल पाए, और देखते हैं अपना कैसा स्पॉन होगा नेदर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।